मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शर्मनाक तस्वीर सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने आरोपी पर NSA की कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने BJP कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आरोपी का कोई धर्म जाति दल नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। CM ने कहा कि ऐसा निंदनीय कृत्य हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। मैंने निर्देश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आरोपी पर सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी जो उदाहरण बनेगी। CM ने कहा कि यह निंदनीय कृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। भोपाल से तहीर खान की रिपोर्ट। जो घटना हुई है ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, ये घोर, जिसकी मैं निंदा करता हूं, और एक अमानवीय कृत्य जो करने का प्रयास किया ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसा कार्यकर्ता कोई कार्यकर्ता नहीं है। वीडियो आने के बाद क्यों जाग रहे हैं? वीडियो हो या कोई भी हो, ऐसे जो लोग हैं अगर उसने एक कृत्य किया है उसको सजा नहीं मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन किया है। और ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे बुलडोजर भी चलेंगे, बाकी भी चलेंगे, ऐसा कोई, देखिए मेरा कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार का दुराचार करता है तो वो कोई किसी का नहीं होता है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, अभी भी कह रहे हैं आज एक सर, लेकिन भाजपा इसको मना कर रही है। हेलो, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक अभी संपन्न हुई है। इस बैठक में मुख्य तौर पर 2023 के चुनाव की रणनीतिक तैयारी की दृष्टि से, जो आप सबको ध्यान में है कि पहले हमारे अलग अलग प्रकार के जो समूह और उन समूहों को अलग अलग प्रकार के जो काम थे, उन सारे कामों की समीक्षा आज हम सब लोगों ने बैठ करके समीक्षा की है। और ये जो चुनाव है, आगामी आने वाला चुनाव, विकास और गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य तौर पर इन बिंदुओं पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लड़ेगी। साथ में ही जो बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य कांग्रेस के समय में, मिस्टर दिग्विजय सिंह के समय में बंटाढार मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे विकसित राज्य बनाकर, आज हमारा संकल्प है कि ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम में अग्रणी होकर के जो काम करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करेंगे। विधानसभाओं के सम्मेलन जुलाई माह में हम हर विधानसभा के पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति तक के सदस्यों को एक बड़े सम्मेलन हर विधानसभा में होंगे। युवाओं की युवा तिरंगा यात्राएं देशभक्ति के भाव के साथ प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा मोर्चा इनको बड़े पैमाने पर करेगा। साथ में ही लाखों लोगों से मध्य प्रदेश के अंदर जन आकांक्षाओं को एकत्रित करने का काम हम करेंगे। और जो हमने कहा था 51% वोट शेयर, बूथ विजय का संकल्प जो हमने लिया था, उस पर भी आज व्यापक चर्चा हुई है। और 51% वोट शेयर के साथ जो जन आकांक्षाएं हैं, मैंने कहा कि लाखों लोगों से हम जन आकांक्षाएं लेने का काम करेंगे। और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र बनाकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस चुनावी मैदान में व्यापक रणनीतिक तैयारी के साथ मैदान में उतरी। सीधी में घटना हुई है जिसमें एक शख्स पेशाब करता हुआ दिख रहा है। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने
हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। सर विधायक, सर विधायक आपस में झगड़ लो यार। सर हलफनामा लिखवाया, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हलफनामा दबाव लिखवाया गया उससे कि वो। देखिए मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, सिर्फ एक ही बात है कि जो दोषी है उसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, कड़ी से कड़ी, चाहे एनएसए लगाना होगा तो लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलो मैं कुछ बता दूं क्या? आप तो बताइए, सब आ गए कि नहीं आ गए? उधर बाइट हो रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, बुलाओ सबको, बुलाओ भाई यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।